देश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को रिक्शों पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम को वापस लेने के लिए मांग की। लेकिन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, दाम वापस लो, दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल की दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दाम करो, पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये लड़ाई है। आज ये बीजेपी सरकार जब चाह रही है जनता को त्रस्त कर रही है, जब चाह रही है डीजल और पेट्रोल के दाम को बढ़ा दिया जा रहा है, और जब चाह रही है ये हालात जनता की बिगाड़ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर के आज जनता के नेतृत्व से आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए सड़क पर बाध्य हो गए हैं। डीजल पेट्रोल महंगी हो जाएगी तो आखिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, कैसे सरकार और कैसे किसान और आम जनता चलेंगे, जिसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज हम लोग ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। अगर ये सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम को वापस नहीं लेगी तो इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगी।